हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग बता दूं, भारत के रास्ते पर चलने जा रहा है पाकिस्तान, अमेरिका के दबाव के बाद भी उठाया बड़ा कदम। आप लोग बता दूं, पाकिस्तान जो है अब अमेरिका का भी नहीं सुन रहा है। अमेरिका के दबाव बनाने के बावजूद भी वह मनमानी कर रहा है पाकिस्तान। किस चीज़ में मनमानी कर रहा है, आइए जानते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। आप लोग बता दूं, बहुत सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। भारत के रास्ते पर चलने जा रहा है पाकिस्तान, अमेरिका के दबाव के बाद भी उठाया बड़ा कदम। कौन सा कदम उठाया है आप लोग बता दूं, कि क्रूड ऑयल को लेकर, जो कच्चा तेल है क्रूड ऑयल को लेकर पाकिस्तान ने भारत के रास्ते पर चलने पर विचार कर रहा है। अभी विचार कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान के मंत्री अमेरिका के पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पाकिस्तान को रूस से तेल खरीदने को नहीं रोक सकते हैं। मालूम हो कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन इनके सब के बावजूद भारत बड़े स्तर पर रूस से कम कीमत पर कच्चा तेल खरीद रहा है। ऐसे पर अब बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान के रूस से तेल खरीदने के लगभग तय कर लिया है। वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, उनके द्वारा यह बयान दिया गया, अमेरिका पर सीधे निशाना साधा गया है। अब अमेरिका देखो, दबाव ये झेलता है या सीधे सेंसर लगाता है। अब पाकिस्तान सोच रहा है भारत की बराबरी करना, भारत के विदेश मंत्री जैसे बयानबाजी कर बातें करना। ये तो अब आप ही लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री कोई कंपैरिजन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ इसमें यह भी बोला गया है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार हैं। कौन है? इसाक डार ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान को रूस तेल खरीदने से नहीं रोक सकता है। सीधे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसा जल्द ही संभव होगा, कि डार ने पिछले दिनों दुबई में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PML के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए टिप्पणी की है। सितंबर में अपने अमेरिका की यात्रा के दौरान डार ने अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों को साथ बैठक में की थी, कि जिसमें पश्चिम प्रतिबंधों के बीच रूस से तेल खरीदने के मामले में चर्चा भी की थी। साथ साथ इसमें यह भी बोला गया, वित्त मंत्री सितंबर में अपने अमेरिका यात्रा का जिक्र करते हुए, हमने अमेरिकी विदेश विभाग अधिकारियों को कहा है कि अमेरिका हमें रूस तेल खरीदने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश, कुछ भी होता है पड़ोसी देश को जरूर शामिल करते हैं पाकिस्तान। हर पाकिस्तानियों के मुंह पर इंडिया का नाम जरूर होता है। इससे पहले पाकिस्तान ने कहा था कि वह रूस तेल खरीदने के लिए दिलचस्पी रखता है, बशर्ते भारत का समान दर पर दिया जाए। अब देखो, यह रूस पे डिपेंड करता है, भारत की समान दर पर देता है। भारत के साथ जितना दोस्ती रखता है उतना पाकिस्तान के रह सकता है क्या? भारत के साथ जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है उतना पाकिस्तान के साथ करता नहीं था। अब ये डिपेंड करता है रूस के ऊपर। सबसे बड़ी बात है, 35वां सबसे बड़ा इंपोर्टर है पाकिस्तान, कि उसका 35वां सबसे बड़ा इंपोर्टर है पाकिस्तान। पाकिस्तान मंत्री ने दोहराया कि मंत्रालय भारत के समान शर्तों पर रूस से तेल खरीदने की कोशिश करेगा। डार ने कहा, अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे सरकार इस संबंध में पाकिस्तान के पक्ष में महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में दुनिया के कच्चे पेट्रोलियम का 35वां सबसे बड़ा इंपोर्टर है और 2021 में 1.92 अरब डॉलर मूल्य के कच्चे तेल का आयात किया है। इससे पहले नवंबर में पाकिस्तान सरकार ने अपने घरेलू कमी को पूरा करने के लिए कितना 3 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए लगभग 112 मिलियन मंजूरी दे दी थी। और आप लोग को बता दो, इमरान खान बहुत बार भारत की प्रशंसा भी कर चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने रूस के क्रूड ऑयल के खरीदने का मुद्दा उठाते हुए भारत की प्रशंसा भी कर चुके हैं। वह अपने रैली में भी बहुत बार भारत इंडिया के और भारत और रूस के पार्टनरशिप के बारे में बात करते रहते, कि भारत पाकिस्तान के रूस का देखो वो किसी की नहीं सुनता, अमेरिका उस पर सेंसर भी नहीं लगा रहा है, मेरे पे सेंसर क्यों लगा रहा है। ऐसी बातें बहुत वो अपने जो है रैली के दौरान बोलते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा है, अमेरिका के दबाव के बावजूद भी भारत पाकिस्तान के कम कीमत पर रूस से तेल खरीद रहा है। इमरान ने खान का कहा था, क्वाड का हिस्सा होने और अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने जनता को राहत देने के लिए रियायती रूस तेल खरीदेगा। हमारी सरकार स्वतंत्र विदेश नीति की मदद से यही हासिल करने के लिए काम कर रही थी। वही इस मुद्दे को लेकर इमरान खान ने मौजूदा पाकिस्तान सरकार पर हमला बोल दिया है। और यही रही महत्वपूर्ण न्यूज़। आप लोग इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।